कॉमेडी
मनोज वाजपेयी की जो एक एक कॉम्पोजिट जो लगा है दिलजीत एंड फातिमा सना शेख एक कॉम्बिनेशन लगा तो अच्छा लगा ये कौन सा कुछ नया है ओके क्या कहना चाहेंगे फातिमा सना शेख की कॉमेडी फातिमा सना शेख आउटस्टैंडिंग नेवर सीन दिस काइंड ऑफ कॉमेडी एंड वाजपेयी मनोज वाजपेयी इज अ थ्रिलिंग ही इज लाइक इनबिल्ट टैलेंट कॉमेडी इन सेंस मींस जैसे मतलब टैलेंट आपके ब्लड में होता है वैसे ही नहीं पांच में से तीन थैंक यू मजा आया background song I guess wo bahut abhi trend mein aane wala hai bahut acha song maza aaya hai 5 mein kitna chahoge 5 mein to 5 out of 5 for sure aaj aaj kaun si kitna hai kya hai kaise bahut se bahut se kitni tareef kam ki jab kaam mein kaun si kitna chahoge aur dalji singh sir ka bahut se role tha bahut se aur kya kehna chahiye kahani ke bare mein kahani to ek comedy hai aur haste haste mein ek bol gaya matlab मराठी मध्ये जी मूवी काढली आहे ती मला वडाच्या झाडाखाली पहिला मला आवडतात
तारीफ हुई और बहुत बहुत ऐसे लग रहा था कि अच्छा इमोशंस बहुत भरे हुए थे उनके तो मैं फाइव में से उस मूवी के लिए पूरे थ्री स्टार दूंगी थैंक यू वेलकम जिस हिसाब से टाइटल है सूरज पर मंगल भारी तो मनोज वाजपेयी और दिलजीत दोसांझ दोनों का कैरेक्टर एक दूसरे पर काफी भारी था पूरी फिल्म सिर्फ मेरे दो कंधों पर चल कर आई है और ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो जिस टाइप का इस वक्त माहौल चल रहा है ऐसी फिल्म तो शायद जनता को जरूरत है लेकिन हाँ अगर आप ये फिल्म देखने चाह रहे हैं तो आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखने मत चाहिए कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इट्स जस्ट अ बेसिक कॉमेडी नॉट इवन अ गुड स्लैपस्टिक कॉमेडी बट जस्ट आपको सिर्फ स्माइल रहेगी फेस पे और दिलजीत क्योंकि इन जनरल भी काफ़ी अच्छे हैं और इस फिल्म में वो उनकी नेचुरल पर्सनैलिटी भी दिखकर आ रही है ना क्यूट लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडी जो आपकी दिखेगी फिल्म में वो दिलजीत की वजह से ही दिखेगी बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना परफेक्ट है अपने कैरेक्टर में लेकिन वो मुझे फातिमा ऑफ लगी एक्सप्रेशन
बाकी सब फातिमा भी पहली बार मराठी लड़की प्ले कर रही थी। मैं तो उनको देखते ही रह गया मराठी के कैरेक्टर में।